मेरे साथ है अनिल रेड्डी जो कि कर्नाटक से हैं और ये कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं बहुत बुरा हूँ। नहीं, मैं इन बच्चों में ही रहता हूँ। तो रेड्डी साहब, पहले तो कर्नाटका लैंग्वेज में थोड़ा बताइए लोगों को कुछ। सबको मेरा प्रणाम, और मैं जो कन्नड़ में बोलना चाह रहा हूँ प्लीज़ समझ जाना, अगर समझ में नहीं आता हिंदी में ट्रांसलेशन कर दूंगा बाद में। मैं कर्नाटक से हूँ, मेरा स्टेट ना कर्नाटक लिदे नानू बंद बीदर लिंद बंद वन तिंगल आते जस्ट वन तिंगली नं रेस पूरा पर्फेक्ट आगे वेट भी लूज आगे ऐसी वेट इत कम से कम 70 वेट आगे नंदी मत करेक्ट नडदे रनिंग मत शूट भी खतरनाक होते शंबर शूटना खतरनाक शूट फस्ट बर्ती नानू यू भी अद्र बाद यार दम बिंदर बंद तोर्सरी वन सल आदर नन मकल दम बिंदर पैले बर रही वेट कम लूज आई मत रनिंग पर्फेक्ट आदा आर्मी यार प्राक्टिस यार मेहनत माद कंपलसरी बर रही फिर अब जो मैंने कन्नड़ में बोला हिंदी में बोलता हूँ। मेरा वेट 80 था, अभी तो 5 से 70 के आसपास आ गया है। चेक नहीं किया मैंने, वेट चेक कर लूँगा। तो जिसे आना है, जिसे आर्मी का शौक है और जैसे मेरे से मोटे हैं जिसे शौक है, प्लीज़ आ जाइए वीर फौजी अकेडमी में और हिम्मत करके आइए। डरना मत, यहाँ पे हमारे सर अच्छे हैं, सब करवा देंगे। और मैं जो मैंने बोला था मेरी शूट 100 मीटर की शूट परफेक्ट लगती है, फर्स्ट आ जाता हूँ उसमें कभी कभी, और कभी पीछे हो जाता हूँ दो बार जो पाउंड दुख जाते हैं। बस आ जाना और खाना का टेंशन मत लेना, बहुत बढ़िया है यहाँ पे सब कुछ। जो खाना खाने के बाद पतले हो जाएंगे वो सोच रहे हो, टेंशन मत लेना। और पतले वाले के लिए भी खाना बहुत अच्छा है, सिर्फ डरना मत, एक बार वीर फौजी में आके देखिए, फिर हौसला बढ़ जाएगा आपका। बस जय हिंद। ये कर्नाटक से हैं, जब ये आए थे तो इनको देख के मैं भी घबरा गया था, लेकिन जो मेहनती बंदे होते हैं उनका ये टी शर्ट देखिए, ये अपने आप अंदर चला जाता है। टी शर्ट आते हैं तब बड़ी साइज का मिलता है, लेकिन जाते हैं तब दूसरा ही लेना पड़ता है। बात ऐसी है, अगर आप में दम है और आप मेहनत कर सकते हैं तो चाहे आप कितने भी मोटे हो, कितना भी आपका वज़न हो, किसी भी एकेडमी से आपको बोला हो कि नहीं नहीं आप मोटे हैं आपको नहीं रख सकते, उनके लिए स्वागत है। और जिन्हें प्रॉब्लम है, जिन्हें 8 मिनट 10 मिनट लगती है, वही बंदे आए खास तौर से, क्योंकि मज़ेदारी उसी चीज़ में है जब आप कैप्चर करो। 8 मिनट 7 मिनट 10 मिनट लगती है उनके लिए, यहाँ के दरवाजे खुले हैं। लेकिन आने से पहले फ़ोन करके आइए, और जो ऑफिस का जो नंबर ये जो नीचे चल रहा है इस पर आप कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि यहाँ पे 4000 लड़के ऑलरेडी वेटिंग में चल रहे हैं। तो इसलिए जो भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनको जैसे ही डेट दी जाती है उस डेट पर अगर आप पहुँच जाते हैं तो आपको सीट मिल जाएगी। कर्नाटका में भी बता दीजिए थोड़ा कि सीट है कि नहीं है यहाँ पर। सीट एलोरी सीट अदानी एलोरू बर्री 20-25 तारीख की सीट खाली आगे लतव, रजिस्ट्रेशन एल मुगलता जल्दी बर्री, एट जल्दी आता और जल्दी फोन अच्छा जल्दी बर्री, प्लीज जल्दी बर्री। अब जल्दी बर्री कुछ समझ में नहीं आया, कहने का मतलब इतना है जल्दी फिलहाल खाली नहीं है। लेकिन आपका अगर रजिस्ट्रेशन रहता है तो जैसे ही नेक्स्ट डे, जैसे अभी सीटें खाली होने वाली है, तो आपका अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप कॉल करके पूछते रहिए। आपको जो डेट दी जाती है उस पर पूछिए सर सीट खाली हो गई है, तो आप बिल्कुल आइए और रनिंग के लिए बिल्कुल भूल जाइए। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो कई लोग पूछ रहे हैं सर मेरे दांत में प्रॉब्लम है, मेरे आंत में प्रॉब्लम है, तो क्या मैं रनिंग करने प्रैक्टिस करना छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे तो आर्मी किसी काम की नहीं रही। तो यार कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आपने सोचा है कि मुझे आर्मी में जाना है तो उससे सबसे पहली चीज़ है 1600 मीटर रनिंग। तो आप कम से कम रनिंग तो कम्प्लीट कीजिए, बाकी चीज़ को भूल जाइए। आपको नीनोक प्रॉब्लम है, आपके दांत नहीं है, यहाँ तक कि आप लंगड़े भी हैं, लेकिन आप 1600 मीटर अच्छे से कर लेते हैं, तो कम से कम भर्ती में जाके 1600 मीटर रनिंग तो कीजिए, बाकी काम बाद का है। आप सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम पहले ही सोचने लगते हैं मेरी आँख ऐसे फड़क रही है, मेरा कान ऐसे है, मेरा नाक ऐसे है, तो यार कहाँ आप रनिंग कर पाओगे। कम से कम एक बार रनिंग तो कीजिए, रनिंग कम्प्लीट करने के बाद हो सकता है आपको रेफर या मेडिकल में फिट कर दिया जाए, जरूरी थोड़ी ना आपको निकाल दिया जाएगा, या फिर आप विशेषज्ञ हैं। ऐसा है आर्मी के मेडिकल के बारे में, आर्मी का मेडिकल करवाने के बाद ही सब कुछ पता लग सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। हाँ सर मैंने पहले मेडिकल करवा लिया मैं फिट हूँ, उनको भी रेफर मिलता है, और जिन्होंने पहले मेडिकल करवा रखे हुए हैं उनको एक भी पॉइंट नहीं है उनको भी पॉइंट मिल जाता है, और आप जिन लोगों ने भर्ती देखी है उनको तो अच्छे से पता होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि मेहनत करिए, मेहनत करोगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। जय हिंद जय भारत। मैसेज से पहले कॉल कर लेना, कॉल करने के बाद मैसेज गंदा मैसेज मत भेज देना, पापा हमारे सर अच्छे हैं, बस कॉल कर देना, एक हिम्मत कर देना कि कॉल करके मैं आ जाऊँ इधर पे, बस और कुछ नहीं, बस कॉल कर देना, खत्म, कॉल करके आ जाना, मैसेज से कुछ नहीं मिलेगा, जिंदगी वेस्ट रही है आपकी मैसेज से।
बस कॉल करके हिम्मत हौसला। जय भारत कहने का मतलब है वो जो नीचे एक दो शख्स हैं जो गाली गलौज करते हैं वो ना करें। बस सोच लें टैक्सी बाहर खड़ी है और आपके लिए वेट कर रही है, बस आ जाना आप यहाँ पे, बस आपकी सुधर जाएगी और भविष्य बन जाएगा। सीट होने पर ही आना, जबरदस्ती मत आ जाना, क्योंकि यहाँ से 15 से 20 बंदे जा भी चुके हैं। सॉरी यार, बहुत दुख होता है जब उन्हें भेजते हैं लेकिन बिना कॉल किए, आप बिना अपने माँ बाप की परमिशन के यहाँ पे आते हो तो नहीं रख सकते। ठीक है, तो एक बार आप कॉल कीजिए, उसके बाद में जैसे ही सीट खाली होती है आपको बुला लिया जाएगा। जय हिंद।